अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स और आवाम के साथ मैं अफजल अय्यूबी। नाज़रीन, बजट की आमद आमद है, टैक्स पेयर भी और आवाम भी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, हुकूमत इस दफ़ा क्या रिलीफ देगी, क्योंकि कोरोना वायरस और जो लॉकडाउन है उसकी वजह से मौशियत का जो हाल है वो सबके सामने है। हुकूमत क्या रिलीफ देगी और क्या देना चाहिए, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इकराम उल हक साहब। आप माहिर मौशियत हैं, टैक्स माहिर उमूर हैं, मुसन्निफ़ हैं टैक्स लॉस बुक्स के, उनके साथ मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, आप सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं, उनके साथ मौजूद हैं जमील अहमद साहब, आप साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन के। करंट जो बजट आने वाला है उसमें क्या रिलीफ आप देख रहे हैं, क्या हुकूमत रिलीफ देना चाहती है इस दफ़ा? अभी तक हुकूमत ने इसके बारे में अपने कोई ख़ास जो हैं प्लान्स तो जाहिर नहीं किए, अगरचे बाकी दुनिया में मैं रोज़ देखता हूँ जब मेरे पास खबरें आती हैं जी कि वो तो बहुत अरसा दराज से वक्त ज़ाया किए बग़ैर, और आप चाइना में हैरान होंगे कि मैं कल ही देख रहा था कि स्मॉल और मीडियम के लिए उन्होंने अपना जो VAT का रेट है वो भी वहाँ यहाँ शायद हमारे FBR के लोग ने कभी गौर ना किया हो कि वो सिर्फ 2% है, उसको भी उन्होंने 1% कर दिया। हम 17% के ऊपर समझते हैं कि इतना ज़्यादा हमने अपना GST का रेट रखा, जिससे आपने देखा कि कोरोना की वबा से पहले भी हमारी इकॉनमी बहुत स्लगिश थी, उसमें स्टैग इन्फ्लेशन थी। आम लोगों को समझाने के लिए, यानी कि एक तरफ उसमें हाई इन्फ्लेशन थी, हाई इंटरेस्ट रेट थे, और दूसरी तरफ कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी ऐसे, यानी कि जो पिछला फिनेंस एक्ट था उसने जिस बुरी तरह से बिजनेसेस ट्रांजैक्शंस को तबाह किया, उससे टैक्स पॉलिसी के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी उसको हमने खुद बर्बाद किया है। और अब जब ये एक ऐसी वबा भी आ गई है कि जिसके बाद पूरे बिजनेसेस बंद हो गए हैं, तो यहाँ अब हमें टैक्सेस की बात करने की बजाय क्या नए स्टिमुलेशंस दिए जाएँ, क्या नई रिलीफ दिए जाएँ, जिससे लोग जल्द अज जल्द जो हैं वो अपने बिजनेसेस को रिवाइव कर सकें, और उसके बाद फिर हम अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ने के बहुत ज़्यादा हमारे चांसेस हैं और अभी हो भी गई है बहुत ज़्यादा, अगर ये हम 1-1.5% की ग्रोथ पे चले गए तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद 2 जो है वो यानी एवरेज अगर मैं उस आपको पेश करूं तो शायद हम जो है वो गुरबत की उस सतह पर हमारे जो है नीचे वाले तबकात पहुँच जाएँगे जहाँ खुदा ना खास्ता यहाँ सिविल स्ट्राइफ्स होने तक का ख़तरा लाहक हो जाएगा। तो इन हालात में इनको ऐसा बजट बनाना चाहिए जिसमें वो मैक्सिमम जो सपोर्ट दे सकते हो वो दें। टैक्सेशन की बात अब इन हालात में करने की बजाय हमें रिलीफ की, और जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ स्टिमुलेशन जो हैं कैसे आपने देने हैं उनकी बात करनी चाहिए। सर, अगर नया बजट लाने की बजाय जो साहब का बजट है उसमें कोई तरमीम करके उसको बेहतर बना के पेश किया जा सकता था? वो पिछला बजट तो जैसे मैं आज कर रहा था कि वो तो वैसे ही बहुत नामनासिब था, और जैसे ही IMF के हम प्रोग्राम में गए और हमने 5.5 trillion का उनसे वादा कर लिया। अब आप बताइए कि इकॉनमी तो नीचे जा रही थी और आप 42% टैक्स में ग्रोथ की बात कर रहे थे, तो इसमें मैं समझता हूँ कि पता नहीं IMF वाले सेन हैं या नहीं हैं, उनकी दिमागी हालत पे तो मुझे शुबा है, मगर हमारे जो लोग निगोशिएट कर रहे थे कम से कम उनको तो इतनी अकल होनी चाहिए कि वो उनको बता सके कि भाई साहब कौन सी दुनिया में मईशत होती है जो खुद तो सारी खुद IMF वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक उससे पहले कह रहे थे कोरोना से कि पाकिस्तान की मईशत 3% से ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी। 3% अगर मईशत ग्रो करे तो 42% टैक्स की ग्रोथ लेना जो है, और जहाँ आपने ऑलरेडी 66 किस्म की विदहोल्डिंग टैक्सेस लगा रखे हों, जहाँ आपका इतना हैवी GST हो, जहाँ आपकी जो है वो किसी किस्म की जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ना हो, जहाँ आपको सारा दिन सवाई टैक्सों के पीछे और फजूल की लिटिगेशन के भागते फिरें, तो उन हालात में बजाय के एक कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट किए जाते ग्रोथ के लिए, वो मौका भी हमने ज़ाया कर दिया। और अब इस वबा के बाद भी मैं जैसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इकदामात तो आपको उसी वक्त शुरू कर देने चाहिए थे जैसे ही आपका ये लॉकडाउन शुरू हुआ था। और मैं तो डेली बेसिस पे देखता हूँ कि उन्होंने रिलीफ के कैसे कैसे बेहतरीन मेजर्स जो हैं वो लेकर आए हैं, और कैसे वो अपनी इकॉनमीज को बचाने के, और यहाँ जो है बिल्कुल इनसेंसिटिविटी अभी भी वो कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये हुकूमत का तीसरा बजट होगा
जो पिछला बजट था उसमें तो हमारे जो चेयरमैन थे शबर जैदी साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और अच्छी फर्म से आई कैप का, उनका फर्गूसन के नामवर एक नाम था, लेकिन उसके बावजूद जो बजट पेश हुआ आवाम को पसंद नहीं आया। ये हुकूमत का तीसरा बजट है, आप समझते हैं इस बजट में जो हुकूमत है आवाम के अतमाद को बहाल कर सकती है, आवाम को अतमाद में ले सकती है, क्योंकि IMF का प्रेशर भी इस दफ़ा कम होगा, वर्ल्ड बैंक का प्रेशर कम होगा, इन हालात में हुकूमत सरवाइव कर सकती है? जी, मैं पिछले दिनों इन चेयरपर्सन जो अभी कुछ दिन पहले ही तैनात हुई हैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो वो फिर जो टारगेट का जिक्र फरमा रही थी कि जो 5.1 ट्रिलियन के करीब, अब मुझे नहीं समझ आती कि इस इकॉनमी में जब हम सर्वाइवल की जंग में हैं, मैं रिवाइवल की तो बात बाद में करूं, हम तो सर्वाइवल की जंग में हैं कि क्या हम बच भी सकेंगे, अपनी मईशत को बचा भी सकेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट को रोक भी सकेंगे, हम लोगों की जो हार्डशिप है, अगर यहाँ पे हमारे ये कल्चर ना हो कि जो हमारे यहाँ के साहिब हैसियत लोग हैं उन्होंने लोगों को खुद लुक आफ्टर ना किया होता तो आप देखते कि लोग सड़कों पे होते और लूट मार शुरू हो जाती। ये तो खुशकिस्मती है कि जो इतने टैक्सेस इकट्ठे करने के बावजूद हुकूमत जो है किसी किस्म की कोई सोशल प्रोटेक्शन देने को तैयार नहीं है, हमारे मुखय्यर हज़रात जो हैं उनको बल्कि पूरा क्रेडिट जाता है कि इन हालात के अंदर भी उन्होंने लोगों को देखभाल की है, जो कि रियासत की जिम्मेदारी है टैक्स लेने के बाद। अब इस वक्त जब आप सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हों, उस वक़्त उनका ये कहना कि हमारा आने वाले साल में जो है वो बजट टारगेट 5.1 होगा, तो जाहिर है जब आप 5.1 की बात कर रहे हैं तो फिर आप बहुत से ऐसे मैयर भी सोच रहे होंगे कि जो ऑलरेडी रिलीज हैं, क्रेडिट्स हैं, उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि जाहिर है नए टैक्सेस लगाना या जो मौजूदा टैक्सेस के रेट को बढ़ाना है वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा। तो मैं नहीं समझता कि वहाँ किसी किस्म की कोई रिसर्च बेस, किसी किस्म की कोई इस बात पे तवज्जो दी जाती है कि हम कैसे लोगों के साथ बैठकर जो इस पे सूझबूझ रखते हैं उनके साथ मिल बैठकर जो है वो एक बस लोगों से प्रपोजल्स मंगवा लेते हैं और वो पढ़ते भी नहीं हैं और उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, एंड पे वही करते हैं जो उनका जी चाहता है। और इन दिनों में लोगों से एडवांस टैक्स मांगना, लोगों से मिनिमम टैक्स मांगना, लोगों से टर्नओवर टैक्स मांगना, इतनी बड़ी ज़्यादती, आगे पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम जो है वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स और बहुत ओवरबर्डन किए हुए लोगों को। अब आप मुझे बताइए कि 95 मिलियन यूनिक मोबाइल यूज़र हैं, 167 मिलियन की सिम्स इशू हुई हैं, किसी के पास 3-4 भी होंगे तो ज़ाहिर है बच्चों को भी लेके दिए होते हैं कुछ को, अब वो सारे के सारे 12.5% आपको पता जब सुप्रीम कोर्ट ने वो जो था पहले स्टे किया फिर उसको ख़त्म कर दिया, और अब वो सारे के सारे आज तक उन्होंने ये नहीं सोचा कि कम से कम उन लोगों को जिनको हम खुद एहसास कैश सपोर्ट दे रहे हैं उनका ही वो ख़त्म कर दें। चलिए आप एक कह दें कि जी इस थ्रेशोल्ड से नीचे की जो बिलिंग है उस पर हम नहीं लेंगे, मतलब बिल्कुल इनसेंसिटिव है, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि हमारी रियासत जो है इन हालात में भी जो वो टैक्सेस लोगों से विद होल्डिंग के ले रही है जो कि आप उसकी दूर दूर तक आमदनी जो है वो काबिले टैक्स नहीं है और इसके बावजूद आप ज्यादती कर रहे हैं। पिछले साल टैक्स रिजीम लाई गई थी, आप उससे इत्तेफाक करते हैं कि उसे वो बेहतरी की तरफ कोई इस साल में कदम गया है? दूसरा जो करंट अकाउंट खसारा है, बजट खसारा है, अब उसको किस तरह देख रहे हैं? जी देखें, वो तो बिल्कुल ही एक गैर आइनी बात थी, अलाई कॉटन में सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कह चुका था कि आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप एंट्री 47 के तहत नेट इनकम जो क्लासिकली आप कंप्यूट करते हैं मुख्तलिफ हेड्स के उसके ऊपर टैक्स लगाइए, और अगर किसी वजह से रियासत समझती है कि वो नहीं लगा सकती तो फिर वो 52 में चले जाए, यानी कि वो जाकर उसको इन लीव ऑफ कैपेसिटी टैक्स लगा रहे। अब आप उन्होंने वाजे वहाँ किया कि इन लीव ऑफ का मतलब है कि उसकी बजाय इन एडिशन नहीं, मगर इन्होंने उसके बाद इन एडिशन टू भी टैक्सेस लगाने। अब आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैं आपसे जो है आपकी नेट इनकम के मुताबिक टैक्स लूंगा, अगर मेरी नेट इनकम लॉस हो तो फिर मैं मिनिमम जो मेरा 10% कट गया, मिसाल के तौर पर मैं एज ए प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ कि मेरी भी हर रसीट के ऊपर 10% कटता है, तो क्या आप इस तरह का टैक्स लगा रहे हैं जो कन्फिस्केटरी है? अब लोगों को लॉसेस भी होते हैं, लोगों को कम इनकम भी होती है, अगर मेरे ओवरहेड्स के बाद मेरी नेट इनकम का जो है मेरी ग्रॉस रसीट से 6-7% आ रहा है तो आप मेरे हिसाब देखें वो दुरुस्त है कि नहीं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि 10% आपका मिनिमम, यानी कि आप इन ल्यू भी लगा रहे हैं और इन एडिशन भी लगा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गैर चैलेंज भी नहीं किया गया अभी तक।
मेरा ख्याल है एक दो रिट्स हुई हुई हैं, मुझे लोगों ने बताया है, मगर आपको पता ही है कि अदालतें रिट्स के मामले में भी कितनी स्लो होती हैं। हालांकि उसमें तो एक छोटा सा पॉइंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, आप 6 महीने के अंदर, वैसे भी वहाँ लिखा हुआ है कि आप 6 महीने का स्टे है, और 6 महीने के अंदर अगर वो नहीं करते तो फिर स्टे जी जी कंटिन्यू रहेगा। तो चाहिए कि ये ऐसे बातें ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर डिसाइड कर दी जाए, जी ताकि जी एक तरफ फैसला हो जाए। बेहतरी की तरफ कदम भी बढ़ाया जा सके। दूसरा जमील साहब, आप क्या तजवीज़ हुकूमत को देना चाहेंगे, जो बजट आने वाला है आप क्या सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं हुकूमत से? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो प्रपोज़ल हैं अपना IPCCA से भी बजट प्रपोज़ल, माशाल्लाह, हम खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ उनको, मियाँ अंजम निसार साहब को, डॉक्टर अरशद साहब हैं, और मैं मोहम्मद अली मियाँ साहब, इरफान इकबाल शेख साहब, इन्होंने एक बजट प्रपोज़ल पूरी बना के गवर्नमेंट को भेजी है। हमारी तमाम जितनी भी एसोसिएशंस हैं दे आर लिंकेज विद IPCCA आल्सो, और उन्होंने सबको जो है ना वहाँ पे वो किया है, इनको अपनी जो प्रपोज़ल्स हैं सारी इनको भेजी हैं, इन्होंने आगे एक प्रपोज़ल पूरी बना के इनको आगे तो वो किया। और एक इनका जो है ना अभी जूम के ऊपर एक मीटिंग भी हो गई है उनके साथ, रजाक दाऊद साहब और दूसरे जो FDR के अहदेदारान थे सारे उनके साथ, तो होपफुली के जी होप फॉर द बेस्ट, और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ जो है ना इसमें काफ़ी जो है ना बेहतरी आप बेहतर हम देख रहे उम्मीद हैं। उम्मीद कर रहे हैं। बट इसके साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा, अगर हम देखें कि जी इंटरनेशनली जो अभी अकरम साहब बात कर रहे थे कि इंटरनेशनली ये आ रहा है कि जी लॉसेस इस वक्त ना COVID-19 ने टोटली चेंज कर दिया सिनेरियो, वे ऑफ लाइफ भी चेंज हो गया, और बाकी जो है ना बिजनेस इकॉनमी पूरे मुल्कों की बड़े बड़े लाइक जेसी पहनी और सर दूसरे दे आर गोइंग टू फाइल द बैंक वो बैंक करप्सी जो है ना वो फाइल कर रहे हैं। जी जी अब उनका 200 से ज़्यादा स्टोर है वहाँ पे, वो सारे का सारा स्टोर जो है ना उसमें से भी उन्होंने बंद किया है, और जो आर्डर्स की एक्सपोर्ट आर्डर्स की रेशो होगी, जो कि हमारी पाकिस्तान की जो इकानमी है वो सारी की सारी यूरोप के साथ है, जब यूरोप के साथ आप करते हैं तो वो आप देखेंगे कि जी वहाँ पे आपको आर्डर्स वहाँ से कम मिलेंगे, वो देखते हुए तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस दफ़ा जो बजट बनाना है इस सिनेरियो को भी देखें, इंटरनेशनल के साथ इसको जी जी उनके करना साथ रवाबत पड़ेगा। किस तरह रखने हैं? अगर आप नहीं करेंगे तो वो देखिए, पहले अगर आपके पास से मैं एक एग्जांपल करता हूँ कि जी 20 मिलियन के, मोर देन $20 बिलियन के जो एक्सपोर्ट आर्डर्स हैं, तो इस साल आप समझें कि वो 50% हैं। जी जी ठीक है, तो 50% के ऊपर। और दूसरे नंबर पे जो एक बड़ा इन्होंने शुरू किया था कि कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कास्ट ईज ऑफ डूइंग वो नारा तो गुम हो के रह गया, नारा गुम हो के रह गया। अब इस वक्त COVID-19 की वजह से जो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है दे छूटा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी उस है, तरफ तो देने उस तरफ तोज्जो देने की ज़रूरत है। और हमारे जो इदारे हैं, हर बंदा यहाँ पे जो भी है, इन्होंने अपना रेट्स जो है वो बढ़ा दिए, रेट्स बढ़ गए हैं, और उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, उसको सुपरविजन कौन कर रहा है, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो उसकी मॉनिटरिंग नहीं है उसके ऊपर। जी जी तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जब बढ़ेगी तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लेने में बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी। एक नारा चला था उसको दोबारा जिंदा करने की जरूरत है। जी जी जमील साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, ब्रेक से जाने से पहले मैं आपकी तरफ एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि ICAP से आपका ताल्लुक है, आपने प्रपोजल दिए हैं हुकूमत को, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या प्रपोजल पे अमल दरामद भी होगा या नहीं? नाजरीन यहाँ छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी फैसल साहब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब्दुल अय्यूबी साहब, ICAP की एक फिजिकल कमेटी है हमारी, जिसका हमारा हुकूमत से एक बजट प्रपोजल का पूरा बुक किया है यहाँ से। जी जी मैं डॉक्टर साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इस साल टैक्सेशन की बात करना मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब। जी जी अभी हमें रिलीफ मेजर्स की बात करनी है, ताकि हम बहुत सारे जो चैलेंजेस है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, जी जी इन चीज़ों को टैकल कर सकें। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है ICAP का, हमने पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस के डिफरेंट सेक्शंस को रिव्यू किया। जी जी उनको रिव्यू करने के बाद वहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स की एक टीम है 21 लोगों की, जो हमारी फिजिकल कमेटी है हेडेड बाय वैसअप जो कि EY के पार्टनर है। जी जी उसमें हमने एक बुक मुरतब की, उसमें चंद एक जो हमने चीज़ें देखी उनको मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ।
जैसे हमने इसमें डॉक्टर साहब ने बात अभी की मिनिमम टैक्स की, आपने सवाल किया जी जी, ये प्रपोजल मेरी तरफ से उसमें मैंने भेजी कि जी मिनिमम टैक्स बिल्कुल नामुनासिब सी चीज है। जी जी, मिनिमम टैक्स जो है ये कानून में कहीं पे भी इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी जी, या आप उसको एडजस्टेबल करें या 1991 का जो इन्होंने कानून बनाया था जिसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन था, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कैपेसिटी बेस्ड टैक्स लगा सकते हैं, या आप उस पर रहें। मिनिमम टैक्स का मतलब है कि आप खुद इसमें जो है डॉक्यूमेंटेशन में, जिसकी तरफ हमने ये ड्राइव चलाई थी 1991 में, हम इसे प्रेजेंट, अब गवर्नमेंट को छोड़ें जी, हम कानून की बात करते हैं जी जी, 1991 में हमने ये ड्राइव चलाई थी कि कुछ चीज़ों को हम प्रिजम्पटिव टैक्स में ले जाते हैं और स्टेप्स में हम उसको फिर नॉर्मल लॉ की तरफ डॉक्यूमेंटेशन में लेके आएंगे, ठीक है, और हम नेट इनकम बेस्ड टैक्सेशन करेंगे। और आज भी आईकैप में हम ये इस चीज़ को सोचते हैं कि नेट इनकम बेस्ड टैक्सेशन होनी चाहिए, प्रिजम्पटिव भी गलत, ठीक है। अब जब मैं एक इम्पोर्टर की बात करता हूँ, आपने इम्पोर्टर को कह दिया कि जी ये तेरा मिनिमम टैक्स है, अब एक छोटा इम्पोर्टर अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्यों बनाए? जी जी, सवाल है मेरा कि अगर उसको वो जो टैक्स कटा है और वो लॉस में जाता है, वो उसको वापस नहीं होना, रिफंड नहीं होना, ठीक है, क्योंकि वो मिनिमम टैक्स है, तो फिर हम डॉक्यूमेंटेशन को कैसे लोगों को कहेंगे कि आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आए? डॉक्यूमेंटेशन की तरफ तो लोग तभी आएंगे ना जब हम उनको कोई इंसेंटिव देंगे। जी जी, ये मिनिमम टैक्स शब्बर जैदी साहब के दौर में वेरी अनफॉर्चुनेट, मिनिमम टैक्स का कोई कानून में गुंजाइश नहीं है। हमने वहाँ पे स्ट्रॉन्गली, मेरी अपनी जाती सजेशन है कि इस मिनिमम टैक्स को रिप्लेस कर देना चाहिए एडजस्टेबल टैक्स। जी, ये रिलीफ हुकूमत को इस दफा देना चाहिए। दिस शुड बी चेंज्ड विद एडजस्टेबल टैक्स। हाँ, अगर हुकूमत ने एक टारगेट मुकर्रर करना है, जैसे आपने अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की जी 5.1 ट्रिलियन का, आप लोगों को ये ऑप्शन दे दें कि आप प्रिजम्पटिव में रहना चाहते हैं तो आप 1-2% टैक्स फालतू दे दें रैक रेट से, मतलब आप दोनों तरफ लोगों को पीस नहीं सकते कि आप उन्हें कहें डॉक्यूमेंटेशन भी करो जी, और ये टैक्स भी, ये टैक्स भी मिनिमम है। अगर डॉक्यूमेंटेशन करानी है तो वो फिर टैक्स एडजस्टेबल होना चाहिए, नंबर एक। और अगर आपको अपने आप पे इतना एतबार ही नहीं है कि आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है और ये एडजस्टेबल की तरफ हुकूमत को ये लगता है कि उसको नुकसान हो जाएगा, तो फिर हुकूमत को प्रिजम्पटिव की जो ऑप्शन है उसको दोबारा जिंदा कर देना चाहिए। पार्ट 4 सेकंड शेड्यूल में क्लाजेस डाल के कि इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, सप्लायर, ये तीनों ऑप्ट आउट ऑफ नॉर्मल लॉ कर सकते हैं और वो प्रिजम्पटिव में जा सकते हैं। इसकी मिसाल डॉक्टर साहब या मैं अगर देखें तो पहले पार्ट 4 सेकंड शेड्यूल में बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जैसे अगर हम रिलीफ देना चाहें तो हम कानून में वो एक एडिशन कर सकते हैं जी जी, या मेन सेक्शन में ही हम लिखते हैं, जो मैंने जो अपनी स्लाइड्स शेयर की थी एफपीआर के साथ उसमें मैंने लिखा था मेन सेक्शन में एक नया सब सेक्शन डाल दें, मिनिमम का वर्ड निकाल दें और ऑप्शन दे दें, जो आदमी प्रिजम्पटिव में जाना चाहता है वो 2% रैक रेट से और वो प्रिजम्पटिव में चला जाए। जी जी। दूसरा जो हमने मैयत दिया है वो प्रॉपर्टी पे जो टैक्स है रेंट पे, ठीक है। इस वक्त जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है 2 बड़े मॉल्स मेरे क्लाइंट हैं, ठीक है जी। 3-3 माह से किसी ने कोई रेंट नहीं दिया जी जी, ठीक है। ना लोग इस पोजीशन में है, ऊपर से हुकूमत ने एक डॉक्यूमेंटेशन भी कर दी है, एक कानून भी निकाल दिया कि 50% से ज्यादा रेंट आप नहीं ले सकते। एक स्लैब्स, मुझे नहीं पता वो कानून इन्होंने कोई लोकल सतह पे पंजाब गवर्नमेंट ने किया। अब पंजाब गवर्नमेंट ने अगर कोई ऐसा कानून किया भी है तो फेडरल गवर्नमेंट को फिर जो रेंट पे टैक्स है उसमें एक खातर खार रिलीफ देना चाहिए। जी जी। लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया था, इसको स्लैब्स में ऊपर ले गए थे, 80 लाख से ऊपर जो बंदा सालाना रेंट ले रहा है उसको इन्होंने 35% टैक्स कर दिया था, 80 लाख से जो ऊपर है, जो ऊपर है, ठीक है जी। इन्होंने ये 35% टैक्स देगा, ये तो आपने कॉरपोरेट टैक्स से भी 5% बढ़ा दिया। ये शबर जैदी साहब की सोच थी कि जो रेंट खा रहा है वो कोई भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, जो कि बिल्कुल गलत है। इकोनॉमी को एज ए होल देखना है जी जी। अगर मेरी जमीन पे या मेरे प्लाजे में कोई बंदा काम कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रहा है और उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के एक हिस्सा मेरा टैक्स है, मेरा रेंट है। उस इकोनॉमिक एक्टिविटी पे हुकूमत ने लहजा से टैक्स ले लिया हुआ है, ठीक है। अब उसी में से जो रेंट जनरेट हो रहा है उसको हुकूमत दोबारा टैक्स कर रही है,
उसके हाथ में जो उससे रेंट ले रहा है, ठीक है। अब जब रेंट पे मैंने टैक्स देना है तो वो 20% इंडिविजुअल का जो स्लैब था विदाउट एनी अलाउंस वो काफ़ी रीजनेबल था, ठीक है, कि मैं अगर 100 रुपया रेंट लेता हूँ तो मुझे 20% टैक्स देना है ग्रॉस पे और वो मेरा फुल एंड फाइनल है। तो हुकूमत को रेंट पे भी एक टैक्सेशन को असरे नो दोबारा देखना पड़ेगा और उसमें रिलीफ देना है, ठीक है। तीसरा बड़ा जो इन्होंने क्रेडिट 65B जी जी इंडस्ट्री ऑलरेडी पाकिस्तान में नहीं लग रही, ठीक है, नई मशीनरी जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पर टैक्स क्रेडिट था जो 65B की सूरत में हमें मिलता था जी जी, जिसे इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 2020 में लास्ट ईयर इन्होंने कर दिया और उसका रेट 10% से 5% कर दिया जी जी। उसमें हाई कोर्ट में रिटें भी हुई, हाई कोर्ट ने डिसीजन ये दिया कि आप इसको रिट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते, प्रोस्पेक्टिव कर सकते हैं। लास्ट ईयर इस बजट में इन्होंने क्या किया कि उसे 10% को स्लैश डाउन करते हुए 5% कर दिया, ठीक है। हाई कोर्ट ने इस पे एक रिट पिटीशन में जनवरी में डिसीजन आया कि जी लोग अपनी रिटर्नें फाइल ना करें और अपना ऑडिट करवा दें इंपोर्टेड मशीनरी की इनवाइसिस का, जो हम लोगों ने मुख्तलिफ टेक्सटाइल मिलों का करवाया भी, ठीक है। अगर वो DCIT सेटिस्फाइड है तो उनको रिटर्न में मैनुअल रिटर्न ली, यहाँ तक देख लें कि इनकी IT डिपार्टमेंट का हार कि इन्होंने हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद जी जी अपना वो जो रेट का वहाँ पे जाके कॉलम अमेंड करना था वो नहीं किया, वो नहीं उन्होंने कहा आप मैनुअल रिटर्न दे दें जी जी, हम ऑडिट करेंगे जी जी, ऑडिट करने के बाद अगर वो ठीक होगा जी जी तो हम 10%। अब ऑडिट का मकसद क्या है, ये मीन मेखे निकालते हैं, मेरे पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स है जी जी जो कि इम्पोर्टेड मशीनरी के जरिए नए यूनिट लगा रही हैं, ठीक है। उनमें हमेशा ये 65B का टैक्स क्रेडिट हमें अपील में मिलता है, नीचे से DCIT देते ही नहीं जी जी, ठीक है। अब हुकूमत को ऐसे सेक्शंस जो कि टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है जी जी उस पर क्लियर कट पॉलिसी FPR के ऑफिसर्स को देनी पड़ेगी कि जिसका जो क्रेडिट बनता है जी उसे जी फौरी तौर पे दिया जाए। अब हमारी इकोनॉमी इसकी मुतम्मल नहीं हो सकती जी जी, बिल्कुल इस तरह के तजर्बात से जी जी जी। डॉक्टर साहब जना फैसल साहब ने बड़ी तफसील से प्रॉपर्टी के हवाले से बताया, 3-4 वो एग्जम्पशन भी उन्होंने उसके हवाले से बात की, सर्वाइवल के हवाले से बात की। आप क्या समझते हैं मौजूदा हालात में जो तामीराती पैकेज हुकूमत ने दिया है वो कहाँ तक कामयाब होगा, बादल नज़र में आप किस तरह देख रहे हैं? दूसरा जो रिलीफ मेयर्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए? जहाँ तक उन्होंने ये एमनेस्ट्री के नाम के ऊपर जो प्रेजिडेंशियल ऑर्डीनेंस 17 अप्रैल को किया था उसका मैंने बगौर जायज़ा लिया है जी जी, उसमें उनकी जो फैसिलिटेशन है वो भी बड़ी मशरूत है कि अगर आप अपने आप को पहले उस प्रोजेक्ट के लिए आके रजिस्टर करवाएं, फिर उसके लिए वो आप इतने पैसे बैंक में जमा करवाएं जो इतना प्रोजेक्ट आपने करना है और फिर 2 साल के अंदर मुकम्मल करें। अब पता नहीं किन ख्यालों में रहते हैं कि कम टाइम लिमिट कम देना, पैसे हैं ही लोगों के पास रेंट देने के और लोग जो हैं कैश लिक्विडिटी के जो हैं इस वक्त सीरियस प्रॉब्लम्स हैं लोगों को और इसके अंदर आप इस तरह का पैकेज ला रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि उसको एक आपको लंबी 10 साल की टैक्स हॉलीडे देनी चाहिए थी, कम से कम 5 साल तो होना चाहिए था। जो नहीं देखिए होता ये है कि जब भी आप इंडस्ट्री में कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन लेना चाहते हैं, बाहर से लोग आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ तो आपको इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, मगर आप अगर हाउसिंग को और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन को पाकिस्तान में प्रमोट करना चाहते हैं जी जी। तो उसके साथ जो और कवानीन हैं आप हाई राइज जा सकते हैं और आपको कितनी वन विंडो में जल्दी, क्योंकि ज़ाहिर इसमें सुबाई भी बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं, आपको कहें कि NOC लेना हो तो क्या मुसीबतों से लोगों को गुजरना पड़ता है जी जी। तो वो इस तरह से उसको जो मैं देखता हूँ तो ये इंसेंटिव के जी आपसे जो है वो इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पूछा जाएगा और साथ 20 शर्तें लगा देना और इस तरह की जो है चीज़ें करने से जो मकसद वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम हासिल करना चाहते थे वो भी मेरा ख्याल है कि जो मैंने उनके लिए एक नई टर्म भी निकाली है रेवेन्यूक्रेसी जो है उन्होंने उसको नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की है और आप देखेंगे कि इसमें कोई खातर खा इन हालात में तो आपकी जो इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की वो आगे, क्योंकि डिमांड भी कंट्रैक्शन है, मैं कहाँ से लूँगा फ्लैट या मैं कहाँ से बुक कराऊँगा प्लाजा में दुकान जब मेरे पास मैं अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस चलाने में। अब आपने कहा जो क्या मरात होनी चाहिए मेरे हिसाब से सर, इसमें तामीराती जो पैकेज में सेक्शन 111 जो उन्होंने किया है उसकी छूट होगी,
दूसरे सेक्टर पे भी अप्लाई हो सकते हैं यार, उन्हें इन्होंने तो खैर इसके लिए मतलब उसमें भी मैंने कहा बहुत से इफ एंड बट्स हैं कि आप उतना पैसा जमा कराएं, आप प्रोजेक्ट को अनाउंस करें, आप उसको 2 साल में मुकम्मल करें, वो आप छोड़ दें, मतलब वो तो आप समझिए कि ना देने वाली बात जी और ये 2-3 साल में जो और ये मुकम्मल होने वाली बात नहीं, ये फिर उन्हें पता भी था कि ये इस COVID-19 के जो इकोनॉमिक फॉल आउट है उसके बाद लोगों के पास इतनी पैसा होगा कि वो ले सकें और जो इन्वेस्ट भी करना चाहता है उसको इस बात का यकीन होगा कि उसको उसकी इकसात मिल जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, वो तो लोगों के पास पिछली इकसात देने के पैसे नहीं हैं। तो इस वक्त सबसे पहले हमें स्मॉल एंड जो मीडियम है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ा सेक्टर है और वहाँ लोगों के पास ना यूटिलिटी बिल देने के पैसे हैं, ना उनके पास तनख्वाहें देने के पैसे हैं, ना ही रेंट देने के। तो इस तरफ जो उन्होंने कहा है कि आप लोन ले सकते हैं, सिर्फ अभी उन्होंने उस हद तक किया था कि आपको वेजेस का रीफिनेंस वो भी नहीं दे रहे बैंक, क्योंकि वो SME के पास जो है जो शरायत वो और जिस तरह की वो फसूलियात और कागजात मांगते हैं तो उसको भी आलमोस्ट बैंकों ने, कमर्शियल बैंकों ने नाकाम बना दिया है। तो मुझे ख़दशा ये है कि चूँकि SME बहुत बड़ा सेक्टर है और वहाँ पर आपके जो है अगर तबाही होती है तो फिर लार्ज स्केल के अंदर देखिए नीचे तो वो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स भी जो हैं वो आपको पता है कि घर के अंदर औरतें जो हैं जो हम टेक्सटाइल की और दूसरी बहुत सी चीज़ों की वो वहाँ से एमिनेट हो रही होती हैं। अब जब वो इस काबिल नहीं रहेंगे तो ऊपर की इंडस्ट्री तो वैसे ही इंटरनेशनल सिनारियों में भी चूँकि ऑर्डर्स बहुत कम होंगे तो आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के ऑलरेडी आपने उनके अंदर कहा है कि जी हम आपको इनपुट के ऊपर 17% बाद में आप रिफ़ंड लें। आज भी उन्होंने इस बात पे अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया है कि ये बिल्कुल गलत बात है कि हमें रिफंड्स मिल गए हैं, हमारा अभी भी जो ऑनलाइन जो सिस्टम ने रिफंड का शुरू किया था आप वो कह रहे हैं कि कैश लिक्विडिटी के हमारे सीरियस प्रॉब्लम्स हैं और अगर ये आप 17% नहीं हटाते तो फिर ये इंडस्ट्री वायबल आपकी एक्सपोर्ट की भी नहीं रहेगी। और मैं तीसरी चीज़ मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि हमें स्मॉल एंड मीडियम के लिए फौरी तौर पर गवर्नमेंट को अगर जो लोन भी लेना पड़ता क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट ऊपर भी चला जाता है क्योंकि IMF ने कह दिया कि जो अखराजात आप इस बहाली के लिए करेंगे वो उसको हम आपके फिस्कल डेफिसिट की लिमिटेशन की तरफ काउंट नहीं करेंगे। फिर उन्होंने आपको 1.4 बिलियन भी दे दिया है और भी बहुत पैसा जो है आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है, आपको वर्ल्ड बैंक दे रहा है, तो पैसा तो इस वक्त मसला नहीं है मगर फिर ऊपर सोच और डायरेक्शन की कमी है कि इतनी गलत टैक्स पॉलिसी, इतनी कॉम्प्लेक्स और डिस्टॉर्टेड टैक्स पॉलिसी को ठीक करने का ये सुनहरी मौका है। अगर इस वक्त हमने इसको ठीक नहीं किया फिर हम शायद वो भी बस मिस कर दें क्योंकि इस वक्त जब हमारे ऊपर वो बोझ नहीं है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा विदहोल्डिंग टैक्सेस ख़त्म कर देने चाहिए। सिर्फ मैं सजेस्ट करूँगा कि हम सैलरी पर रख लें, चाहे वो पे एज यू अर्न उनके लिए भी आसान होता है। ऐसे हालात में लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के टैक्स निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है। वही मैं ब्रेक से बाद जनाब आपसे जवाब लेता हूँ, लेकिन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक में साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब जी, सबसे पहले जो मैं कर रहा था कि जो कैश लिक्विडिटी के प्रॉब्लम चाहे वो एक्सपोर्टर्स के हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स के हैं, चाहे वो SME के हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के हैं, चाहे वो किसी भी क्लास ऑफ बिजनेस के हैं, उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें दरअसल उन बिज़नेस को जो है वो बचाना है तबाही से और इसकी तरफ गवर्नमेंट की तवज्जो जो है वो नहीं है। और जो पैकेजेस दिए गए हैं वो सारे के सारे आपने देखा कि इस मामलात को हल नहीं करते हैं। बाकी सारी दुनिया का तजर्बा बिल्कुल इसके उलट है, वहाँ रियासत ने अपने ख़जानों के मुंह खोल दिए हैं और उन्होंने लोगों को बल्कि घरों में आप देखें वो अपने आवाम से मुखलिस हैं, अपने घरों में लोगों को $1200 पर एडल्ट और 500 उन्होंने पर चाइल्ड अमेरिका में भेजा है कि वो बाहर निकलें ये खर्च करेंगे, इकॉनमी में डिमांड क्रिएट होगी, पीछे इंडस्ट्री के पास जो माल पड़ा हुआ है नहीं बिकने वाला वो बिकेगा। अभी अगर हमारे पास बहुत सा माल पड़ा हुआ है एक्सपोर्टर्स का वो किसको भेजेंगे, हमारे पास जो इस वक्त
बहुत से अदारों की मैं समझता हूँ कि ये मजबूरी है कि उनके पास कैश फ्लो ही नहीं है तो वो सैलरीज कहाँ से पे करेंगे। तो इन सारे मामलों के अंदर तो चाहिए ये था कि हम टैक्सेस की बात को तो एक तरफ रखते, हम इन टैक्सों में शदीद कमी करते, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें विद होल्डिंग सवाए दो तीन चीज़ों के, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी कम होनी चाहिए, और कॉर्पोरेट टैक्स रेट, फिर हमें अपना सेल टैक्स का रेट हाफ करना चाहिए इस वक्त फौरी तौर के ऊपर, ताकि लोगों को जो है वो रिलीफ मिले। और जितना मैक्सिमम हम इस वक्त टैक्स को भूल जाएं, टैक्सेस के अंदर तो जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कटौती हो सकती है वो हमें करनी चाहिए, और जो बिजनेसेस को इस वक्त अपने सर्वाइवल का मसला है वहाँ रियासत को आने। आपको याद होगा जब वहाँ पे 2008 में बहुत बड़ा इकोनॉमिक मेल्टडाउन आया था तो बिलियंस देकर बैंकों को उन्होंने बचाया था, और वो बैंक अब जाहिर है बिलियंस का उनको टैक्स भी दे रहे हैं। अगर इस वक्त हमने अपने बिजनेसेस को, अपने कारोबारों और उसमें संतों को अगर नहीं बचाया, यही कल को इसी गवर्नमेंट को टैक्स देंगी। आपको याद है जब ये बैंक इनके पास होते थे सॉइल लॉसेज के, उसमें कुछ नहीं होता था। जब ये बैंक इन्होंने लोगों को प्राइवेटाइज किए तो हर बैंक जो है, जो ऊपर के चार बैंक देख लें, उनका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 20-20 बिलियन के करीब है। तो आपको इस वक्त ये सोच रखनी है बुनियादी तौर पे, जिसमें मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा, कि आपने बिजनेस को बचा लेना है, यही बिजनेस बच के आपकी एम्प्लॉयमेंट भी देगा और आने वाले दिनों में आपको टैक्स में ग्रोथ भी देगा। तो आप सिंपल अभी अपनी पॉलिसी कर लें, उसको जो है वो इस वक्त बेहतरीन मौका है कि जो आपकी टैक्स पॉलिसी बहुत डिस्टॉर्टेड है, अभी ऊपर पाइड की बेहतरीन स्टडी भी आई है, मैं गवर्नमेंट को कहूंगा कि उसकी रिकमेंडेशंस को वो फौरी तौर पर देख लें। 11 मार्च को उन्होंने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और सारे स्टेक होल्डर्स आए थे, और उसकी अब उन्होंने जो है एक पेपर की शक्ल में उनकी वेबसाइट पे मौजूद है, वो आपको बेहतरीन जो है वो गाइडेंस देगी कि कैसे आपको बिजनेसेस को बचाना है। और यही बिजनेस एक दफ़ा रिवाइव हो जाएंगे तो फिर ग्रोथ के पैथ पर जाएंगे और आपको पहले से ज़्यादा टैक्सेस देंगे। बिल्कुल ठीक है फैसल इकबाल भाई साहब, कोरोना से ज़्यादा खतरनाक जो जंग है वो सर्वाइवल की है, और सर्वाइवल करने के लिए बिजनेसमैन को आज़ादी चाहिए काम करने की भी, हर तरह की भी। आप क्या समझते हैं इस बजट में क्या हुकूमत उनको आज़ादी देगी, क्या बेहतरीन रिलीफ देगी? जैसे उन्हें लाइटर मोड, आपने आजकल टीवी पे एक एड चलता हुआ देखा होगा जी जी, कि कोरोना से तो शायद मैं बच जाऊं जी जी, शायद भूख से मर जाऊं, भूख से मर जाऊं जी जी। पहले तो डॉक्टर साहब को मैं खराज तहसीन पेश करूंगा, इन्होंने जो बात की जी जी कि ये पाइड की पॉलिसी जरिए जो सारी इन्होंने हुकूमत को सजेशंस दी, हुकूमत को बड़ा सीरियसली इन चीजों पे सोचना है जी जी, पहली बात। और ये वक्त है, ये वक्त है। दूसरी चीज है, देखें एक्सपोर्टर्स हो या लोकल SME सेक्टर हो, इन सब को इन्होंने बैंकों से कर्जा लिया हुआ है जी जी, ठीक है। बैंकों से कर्जे लेके इनके एक सर्कल्स चल रहे हैं, सर्कल तो हो गया ब्लॉक। यूरोप ने आपको कह दिया कि आपने 3 माह तक हमें कोई एक्सपोर्ट नहीं करना जी जी। इसके लिए सियालकोट चैम्बर की मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग परेशान हैं जिनका बना हुआ माल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा जी जी, उन्होंने कह दिया हमने नहीं लेना, आपने नहीं बेचना जी जी, ठीक है। अब जो माल बना पड़ा हुआ है उस पर लागत भी आई हुई है जी जी, शायद वो बैंक का कर्जा है या फिर उन लोगों का कर्जा है जो कि आपको वक्ती तौर पे माल देते हैं विद इन 30 डेज रिकवरी करने के लिए। आपको एक्सपोर्ट एक साइकिल है ना, जिसे हम वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं, सर्कुलर जो कि मैं अपने डेटर्स से रिसीव करके अपने क्रेडिटर्स को पे कर देता हूँ जी जी। अब इस वर्किंग कैपिटल को बैंकों ने फाइनेंस किया हुआ है या प्राइवेट सेक्टर ने फाइनेंस किया हुआ है मुख्तलिफ तरीकों से, परचेजेस क्रेडिटर्स की वजह से, इस पैसे को अब हुकूमत को ऑन करना पड़ेगा कुछ हिस्से के लिए, यानी एक्सपोर्टर के या स्मॉल बिजनेसमैन के जो कर्जे हैं जी जी, उनकी जो कुछ किस्तें हैं वो हुकूमत को बैंकों को देनी पड़ेंगी, बजाय के हुकूमत खुद, क्योंकि डॉक्टर साहब की बात ये ठीक है कि आज इन्हें बचाएंगे तो कल ये चल गए इकोनॉमिक ग्रोथ में दोबारा टैक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे जी जी। अगर आज ये लोग मर गए इंडस्ट्री खत्म होगी। इसकी मिसाल मैंने आपको पिछली एक प्रोग्राम में दी थी कि मैं कैपको गया तो वहां पे मुझे एक हैरान कुन एनालिसिस मिले पाकिस्तान की बिजली के कंजम्पशन के। हमें गर्मियों में 26,000 मेगावाट बिजली चाहिए, सर्दियों में यही कम हो गए 5,400 मेगावाट रह जाती। इसका मतलब क्या है, हमें अपने पावर प्लांट बंद करने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री नामी चीज़ कोई नहीं है। ये 5,400 माइनस 26,000 मेगावाट ये घरेलू सारफ है जी जी, ठीक है। तो इंडस्ट्री तो पहले ही पाकिस्तान में कोई नहीं है,
हम चल रहे हैं एग्रीकल्चर पे और अपना लेबर क्लास पे, ठीक है, ये मेन दो हमारे सोर्स हैं जिससे पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है, ठीक है। तो फिर ये जो इंडस्ट्री थोड़ी बहुत रह गई है इसको बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो बैंकों के ज़रिए उसकी फाइनेंसिंग अरेंज करें, वो हुकूमत खुद फाइनेंसिंग अरेंज करे, वर्किंग कैपिटल हुकूमत को रिलीफ देना पड़ेगा। और दूसरा जितने मेजर टैक्सेस हैं उनमें एक खातर खा रिलीफ, जैसे कॉरपोरेट टैक्स 30% है तो इसको 15% कर दें इस साल के लिए, ठीक है, आधा कर दें। अगर किसी आदमी को टैक्स क्रेडिट 10% दे रहे थे उसको 20 कर दें सिर्फ इस साल के लिए, ताकि लोग अपने आप को इस सर्वाइवल की जंग में दोबारा जिंदा कर सकें। ठीक हो गया जमील साहब, आप क्या टाइम कम है और क्या प्रपोजल देंगे आप, क्योंकि पहले आपका एक मुतालबा भी था हुकूमत बिलासूद हमें कर्जे फराम करे जो फॉरवर्ड हैं जो उनका मामला सारे रुके हुए हैं, तो क्या आप सजेशन देंगे? फ्रेट फॉरवर्डिंग में जो है इस वक्त 3% इन्होंने टर्नओवर टैक्स लगाया पिछले साल, जिसमें था कि टर्नओवर टैक्स ऑन ग्रास इनवाइस के ऊपर। अब ग्रास इनवाइस के ऊपर जब आप करते हैं बात तो उसमें फ्रेट कास्ट भी आ जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है कि जी फ्रेट कास्ट जो है वो एग्जेम्प्टेड है उससे ऊपर। जी जी। अब जब फ्रेट को भी जब आप ऐड करते हैं और उसके बाद जो थोड़ा बहुत सर्विस चार्जेस हमारे होते हैं वो उसमें ऐड करते हैं, तो उसके बाद जब 3% निकालते हैं तो वो माइनस में चला जाता है इंसान। जी जी। बल्कि माइनस क्या हाथ से भी काफ़ी ज़्यादा पेमेंट हो जाती है। उसके लिए भी हमारी रिक्वेस्ट होगी, प्रपोजल हमने भेजी है वहाँ पे कि जी इसको ओनली सर्विसेज के ऊपर लिया जाए टर्नओवर टैक्स, जो कि उसके ऊपर, क्योंकि वो जो फ्रेट है वो आगे पेएबल है और वो आगे ट्रांसफ़र है, वो आगे पेएबल हो जाना है उसको शिपिंग लाइंस को और एयरलाइंस को। जी जी। एक तो ये प्रपोजल, दूसरी प्रपोजल ये है कि सेल टैक्स जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, खाई साहब ने कहा, ये इट शुड बी रिड्यूस 50% तक ही होना चाहिए। मैं इसमें साथ में और कहूँगा कि ताजर बरादरी को इस वक्त फ्रेंडली इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। जी जी। उसको एक किस्म का दिलासा दिलाने की ज़रूरत है। जी जी। तो दिलासा दिलाने के लिए एक जो FBR का और जो ऑडिट डिपार्टमेंट्स का एक खौफ होता है उसको भी ये हर वक्त, वो इस 2 साल के लिए नो ऑडिट पॉलिसी होनी चाहिए, मायूसियों को दूर करने की ज़रूरत है। 2 साल के लिए जो है ना मिनिमम 2 ईयर्स नो ऑडिट पॉलिसी, प्लस जो जो हैं इसके DTRE में मैटर्स हैं, ड्यूटी टैक्स एंड रिमिशन एक्सपोर्ट रूल्स जो हैं, उसमें 25 से 30 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से भी अभी तक उसको हल नहीं किया जा सका। कोई नया एक्सपोर्टर जो है या नया इंपोर्टर जो है वो उस फैसिलिटी को कैसे अवेल करे, उसमें 25 से 30 डॉक्यूमेंटेशन ऐसे रिक्वायर्ड हैं कि जी उसको करते पूरा करते करते उसको 3-4 माह गुजर जाते हैं। जी जी। ठीक है। इसी तरह से जो एक्सपोर्ट के जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वो भी इसी तरह से एक उनको मिनिमाइज़ किया जाए। इसके साथ साथ जो है अब जो बात कर रहे थे कि जी एक्सपोर्टर्स की, ये बात बिल्कुल ट्रू है, जितने भी एक्सपोर्टर है इस वक्त वो पैनिक हुआ हुआ है। एक तो उनका मटेरियल बन के पड़ा हुआ है और कुछ मटेरियल जो कि आ रहा था मटेरियल बाहर से, वो 22 तारीख को जब इन्होंने 4 घंटे के नोटिस के ऊपर सडन लॉकडाउन किया और तमाम फ्लाइट्स जो है बाहर से इनकमिंग एंड आउटगोइंग बंद कर दी, तो जो मटेरियल आ रहा था वो रस्ते में रुक गया। अब जो चाइना से मटेरियल कुछ लोगों का आया, कुछ और जगह पर आया, जैसे हमारे काफ़ी भाई हैं उनका 40,000 kg जो है ना ये लाहौर एयरपोर्ट, लाहौर का जो मटेरियल है वो बैंकॉक में फंसा हुआ है और सारे का सारा वो क्या है, रॉ मटेरियल है। वो रॉ मटेरियल कौन सा है जिसके ऊपर एक्सपोर्टर ने उसके ऊपर लेबल्स हैं, बटन्स हैं, जिप्स हैं, ये गारमेंट के ऊपर लग रही है, देन दे हैव टू री एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट होना है। अब वो रुका हुआ है वहाँ पे, गवर्नमेंट ने पार्शल जो है वो दे दी इसको इंडस्ट्रियलिस्ट को कि जनाब आप अपने जो रनिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर है उसको कंप्लीट करें ताकि वहाँ से पैसा बाहर से आ सके। पैसा बाहर से कैसे आएगा, वहाँ पे वो मटेरियल रुका हुआ है वहाँ पे, और 20 टन के करीब इस्लामाबाद का है और 22 टन के करीब जो कराची का है। हम उसके लिए तगोदो कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया है, लेटर्स लिखे हैं तमाम गवर्नमेंट को, थाई एयरवेज को लिखे हैं, एम्बेसडर्स को लिखे हैं, बट उसके ऊपर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। मेरी इस आपके इस दोस्त से ही ये गुजारिश होगी कि जी इसमें भी जो गवर्नमेंट को भी, कल हमने रजाक दोस्त साहब को भी एक लेटर लिखा है कि जनाब ये जो एक्सपोर्टर है ये सारे का सारा मर जाएगा, 60 से 70 एक्सपोर्टर उसमें इन्वॉल्व है जी, और सारे का सारा ब्रांडेड है, लिवाइज है, उसमें नाइकी है, फ्रूट ऑफ द लूम है, जेसी पैनी है, और जो ब्रांड है ब्रांड है ज़ारा है, H&M है। अब इन्होंने जो है ना सारे का सारा मटेरियल उनका रॉ मटेरियल, और वो आगे से एक्सटेंशन नहीं दे रहा। अब उसको भी पता है कि COVID-19 की वजह से मटेरियल वहाँ पे फंसा हुआ है, रॉ मटेरियल यहाँ तो लोकल मटेरियल की इजाज़त दे दो, वो नहीं दे रहा वहाँ पे इजाज़त, और पैसेंजर फ्लाइट्स जो है, शेड्यूल फ्लाइट्स जो है पाकिस्तान में आना बंद है, 31 तक आना बंद है।
ऊपर से बैंकॉक एयरपोर्ट ने वहाँ पे ये किया कि जी 30 डेज़ के बाद जो अनक्लियर गुड्स है यहाँ पे उनका एक लॉ है कि जी वो कन्फिसिकेट हो जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो इसमें इस सूरत हाल में फॉरेन जो अफेयर्स जो हमारे मिनिस्टर हैं उनको एक्टिवेट होना चाहिए कि जनाब जो बाहर के आर्डर्स हैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक्टिवेट होना चाहिए कि वो उनके साथ जो है ना वो रिलीफ लें थाई गवर्नमेंट से और फैसिलिटेट करें एक्सपोर्टर्स को। जी जी। अगर एक्सपोर्टर फैसिलिटेट नहीं होगा वो कैसे काम करेगा? बिल्कुल सही। उनके पास जितना जितना एम्प्लाई है वो फिर उसके हुकूमत को उस तरफ तवज्जो देनी जरूरी। जमील साहब आपको बहुत शुक्रिया, फैसल साहब आपको बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ग्राम साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन ये हमारा आखिरी प्रोग्राम था बजट प्रपोजल के हवाले से। आंदर जो प्रोग्राम होंगे हमारे वो होंगे जब टैक्स ये बजट आ चुका होगा और जो आया होगा उस पर डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अफजल जी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।